डिम्पी, तुम्हारी पार्टी इतनी जबरदस्त थी, सबने मिलकर खूब एंजॉय किया। रियली? और इससे आगे मैं अपने आलसी पति को खींच कर ले आऊंगी तुम्हारी पार्टी में। अच्छा लगता है मेरी फोन की बैटरी डाउन हो रही है। अच्छा सुनो डिम्पी, एक उफ, ये फोन की बैटरी भी खत्म हो गई। सुशील, ये आवाज कैसे आई? क्या हुआ शोभा? कौन है ये लड़की और ये यहां आई कैसे? लड़की देखो, शोभा मुझे नहीं पता ये लड़की कौन है। मुझे नहीं पता तो किसे पता है? घर में कौन था, मैं या आप? शोभा मुझे तुम्हारी कसम, मुझे बिल्कुल नहीं पता ये लड़की कौन है और कहां से आई है। झूठ बोल रहे हो आप। प्लीज ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता शोभा। हाँ? इसके सिर से तो खून बह रहा है, इसके पास तो टॉर्च भी है। सुशील ये लड़की जरूर चोर हो सकती है, हमें जल्द से जल्द पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। मेरा फोन भी डेड है। डोंट वरी, मैं अपना फोन लेके आता हूँ। कहीं इस लड़की के और तो साथी नहीं है, कहीं घर में तो छुपा नहीं है। क्या मुसीबत है? अरे कहां गई वो लड़की? नहीं है वो यहां। नहीं है मतलब और कहां जा सकती है? यही पर तो होगी, ठीक से देख रहा। अरे नहीं है वो यहां पर। अरे तुम तो किसी काम के नहीं हो, मैं तो अभी यहाँ पर बैठी थी और अरे इसके सिर पे चोट लगी है और कहाँ जा सकती है वो? पापा नहीं है वो यहाँ पर। तुमने ठीक से देखा नहीं होगा, पहले जाकर देखो। अरे मैंने ठीक से देखा, आप नीचे घुस के देखो क्या? क्या हुआ? अरे कोई धारदार चीज बहुत जोर से सर पे लगी। धारदार चीज? हाँ ऐसा लगता है कोई मेटल का नुकीला टुकड़ा लगा हो नीचे। नुकीली चीज तो ठीक है पर वो लड़की गई कहाँ? तुम्हें लड़की की पड़ी है, ये देखो मुझे क्या हुआ। और ऐसे कैसे हो सकता है? ये देखो नुकीली चीज, ये देखो। अरे ये तुम्हारा एंटीक टेबल गड़बड़ है, तुम्हारे 2 लाख मिट्टी में गए, उस डीलर ने तुम्हें बेवकूफ बनाया। सुशील साहब चीजें परखनी आती है आपको? अरे ये 200 साल पुरानी राजा महाराजाओं के जमाने की टेबल है, टेबल के अंदर हो सकता है कोई अनमोल और बेशकीमती चीज छुपी हो। मान लो हम इसको कटवा भी दें और इसमें से निकले भी कुछ ना, वो बात हो जाए खोदा पहाड़ निकली चुहिया और 2 लाख तुम्हारे गए पानी में। इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरे पास एक आइडिया है। सर मुझे समझ में नहीं आ रही, एक मिनट के काम में आप इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? भाई साहब ये एक्सरे मशीन इंसानों के लिए बनी है, किसी फर्नीचर को स्कैन करने के लिए नहीं। ये क्या है? कुल्हाड़ी।
लकड़ी में कुल्हाड़ी? भाई साहब, ये सिर्फ लकड़ी नहीं है, ये लकड़ी का टुकड़ा उस टेबल से लिया हुआ है जो हमने पूरे 2 लाख रुपए देकर खरीदा था। लेकिन शोभा, उससे क्या फर्क पड़ता है, कुल्हाड़ी तो कुल्हाड़ी है ना। सुशील, ये कोई मामूली कुल्हाड़ी नहीं है, 200 साल पुराने टेबल से निकली हुई है। इसका मतलब ये कुल्हाड़ी भी उतनी ही पुरानी है, करोड़ों में कीमत होगी इसकी। इसका मतलब 2 लाख में करोड़ों का सामान। अरे भैया भैया, जरा ध्यान से। भाई साहब घबराइए नहीं, कुछ नहीं होगा। वो क्या है ना भाई साहब, इसके अंदर जो चीज है वो 200 साल पुरानी बड़ी कीमती चीज है, इसीलिए। अरे भाभी, इतने सालों से आपके यहाँ काम कर रहे हैं, कभी कोई गड़बड़ किया क्या? ये लीजिए आपका कीमती सामान। सर, सर है ना खास चीज, आपने शायद ऐसी चीज पहले कभी ना देखी हो। सर बताइए ना, कितने साल पुरानी हो सकती है ये चीज? क्या हुआ सर? काफी इंटरेस्टिंग मामला लगता है। जी सर, 200 साल पुराने टेबल से निकाली गई है। मेरे एक जानकार है, इस खास एंटीक के लिए मुझे उनकी राय लेना बहुत जरूरी है, थोड़ा टाइम लग सकता है। कोई बात नहीं सर, खास चीज के लिए खास आदमी की सलाह तो लेनी पड़ेगी। इस कुल्हाड़ी के ऊपर लगे हुए जिस खून के जो दाग हैं, जो मैंने देखे, मेरे तो कान ही खड़े हो गए। और उसी वक्त मैंने सलूके को खोल के। खोल कैसे नहीं करते भाई, पुराना दोस्त हूं तुम्हारा, जहां कहीं भी खून देखते हो, लाश देखते हो, मुझे फोन करते हो, याद करते हो मुझे। वैसे ये आपने बहुत ही समझदारी वाला काम किया मनोमिराज जी, पर ना आजकल लोग इतने चौकन्ने होते नहीं। अभिजीत, कुल्हाड़ी पर यहाँ जो धार है, यहाँ पर थोड़ा सा ताजा खून लगा हुआ है, लगता है इस कुल्हाड़ी से हाल ही में किसी के चोट लगी है। और ये कुछ खास है। ये देखो, कुल्हाड़ी पर ये जो लगा हुआ है ये खास है, इसे चेक करते हैं। बस ये जो लगा हुआ कुल्हाड़ी पर, ये वाकई इसी का खून है। अभिजीत, इस कुल्हाड़ी पर इतना खून लगा हुआ है, ये सिर्फ किसी के उंगली कटने से नहीं हो सकता, जरूर किसी का खून हुआ है। ये पति पत्नी सुशील और शोभा, इनसे मिलना होगा, पता करना होगा कि ये कुल्हाड़ी उनके टेबल में पहुंची कैसे। सर मुझे लगता है ये पति पत्नी दोनों कहानी बना रहे हैं। सर
लकड़ी की टेबल में कुल्हाड़ी कैसे आ सकती है? हो सकता है निखिल, ऐसा पॉसिबल है। इस कुल्हाड़ी पर ये जो खून के ऊपर सैप लगा हुआ है, पेड़ पौधों का रस, ये इस बात का गवाह है कि ये कुल्हाड़ी किसी पेड़ में थी। आपका कहने का मतलब कुल्हाड़ी पेड़ के अंदर थी? हाँ अभिजीत, सुनने में शायद अजीब सा लगे लेकिन ऐसा संभव है, ऐसा हुआ है। मैं बताता हूँ कैसे हुआ। एक पेड़, अभी एक छोटा पेड़ है और इस पेड़ में यहाँ पर ये खोखला हिस्सा है, किसी ने ये कुल्हाड़ी इस पेड़ के खोखले हिस्से में छिपा दी। धीरे धीरे ये पेड़ बड़ा होने लगा और इस पेड़ के जितने भी द्रव्य पदार्थ हैं, सैप्स, वो इस कुल्हाड़ी के खून पर एकदम परत बना करके जम गए। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये पेड़ बड़ा होता गया, ये कुल्हाड़ी पूरी तरह से इस पेड़ में समा गई। और ये सब होने में कितना टाइम लगा होगा डॉक्टर साहब? करीब 7 से 8 साल। मतलब 8 साल पहले से यह कुल्हाड़ी पेड़ में? नहीं, 8 साल से पहले, 8 से 12 साल पहले। इस कुल्हाड़ी पर जो खून लगा हुआ है उसका डीएनए टेस्ट करने से सारी कहानी साफ हो जाएगी। सर, इतने साल पहले किए हुए गुनाह का पता कैसे चलेगा? अब ये तो ये लोग ही बताएंगे। सर, वो टेबल हमने एक एंटीक डीलर से 2 लाख रुपए में खरीदी। सर, आज सुबह ही हमें पता चला कि उस टेबल के अंदर वो कुल्हाड़ी है जिसपे खून लगा हुआ है। सर, हमें नहीं पता कि वो खून कहाँ से आया। सर, टेबल के अंदर कुल्हाड़ी? सर, कहानी बड़ी अच्छी है। कहानी नहीं, सच्चाई है सर। सर, कल रात हमारे घर में एक लड़की घुस आई थी, वो वही टेबल के नीचे छुपी थी। उससे पहले कि हम पुलिस में फोन लगाते, वो वहां से भाग गई। और सर, जब वो लड़की टेबल के नीचे छुपी हुई थी तो उसे चोट लग गई और उसके खून निकल आया, तो हमें पता चला कि उस टेबल के नीचे कोई धारदार चीज है। और वो धारदार चीज वो कुल्हाड़ी थी। यस मैडम, हमने सोचा कि टेबल तो एंटीक है ही, तो कुल्हाड़ी भी एंटीक और कीमती हो सकती है, इसलिए हमने उसे बेचने का फैसला लिया। ठीक है, एक काम करिए आप लोग, जो लड़की आपके घर में घुसी थी उसका जरा स्केच बनवा दीजिए। जी सर। और ये टेबल आपने खरीदा कहाँ से था? जी, वो ओल्ड क्लासिक एंटिक स्टोर। ओल्ड क्लासिक एंटिक स्टोर। कहाँ थी तुम रात भर? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ये चोट कहाँ लगी तुम्हें? क्या हुआ? कुल्हाड़ी सीआईडी के हाथ लग गई। सीआईडी को पता चल गया? तुम्हें मेरी कसम है मायरा, इन सबसे दूर रहो। नहीं, नहीं रह सकती मैं दूर। आप दूर रहिए। यू नो, आप ये मत जताइए कि आपको मेरी परवाह है। बंद कीजिए ये नाटक। मायरा, तुम इसे नाटक कह रही हो? अरे मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या कुछ नहीं किया है आपने मेरे लिए, सिवाय दर्द देने के। सिर्फ दर्द दिया है आपने। आप जैसा अपना हो तो दुश्मन की क्या जरूरत। मायरा, तुम जो चाहो मुझे सजा दे दो, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तड़पी आप? आपकी वजह से मैं तड़पी हूं ना। ये आंखों में आंसू देखकर ना अच्छा लग रहा है मुझे। ध्यान से देखिए इसे। ये एंटीक टेबल 10 दिन पहले आपने किसी मिसेस सुशील को बेची थी। अरे हाँ साहब, अरे 200 साल पुराना राजाओं महाराजाओं के जमाने का टेबल है ये। देखते ही पसंद आ गया उनको। कुछ खास बात तो है? खासी जो है तो कुछ न कुछ खास बात तो होगी ही ना। उस टेबल के अंदर एक कुल्हाड़ी थी जिसपे खून लगा हुआ था।
खून टेबल के अंदर, कुल्हाड़ी कैसे आ सकती है? अरे नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता है। ये है वो कुल्हाड़ी, खून हुआ है इससे। साहब ऐसे फर्नीचर तो ऊंचे घराने या प्राइवेट कलेक्टर से ही आते हैं, अब इसमें किसी ने कुल्हाड़ी रख दिया तो हमें कैसे पता होगा? हाँ ये बात भी है। आपने ये टेबल किससे खरीदी थी? एक मिनट साहब, बताता हूँ। ये है तुम्हारे एंटिक फर्नीचर का नकली कारोबार? नकली इनवॉइस बना रहे हो? नए फर्नीचर्स बनाता है और फिर उसे केमिकल से एंटिक लुक देता है? मुझे माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गई, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। टेबल में वो कुल्हाड़ी आई कहां से? सब हमें मालूम है, वो फर्नीचर तो हम शीशम के टुकड़े से बनाते हैं साहब, उसी में आया होगा। शीशम का लकड़ा कहां से आया? हमारा सारा माल जबरसन टिम्बर मिल से आता है। बड़ी कस्टमर से धोखाधड़ी के मामले में इन सबको अंदर करो, चलो। चल, चल, चल। जेफरसन टिम्बर मार्ट। उदय ऑर्डर का माल है, इसे टाइम पे पहुंचा देना, समझे? आप फिकर मत कीजिए सर, ट्रक मंगवा लिया है, आज के जितना भी ऑर्डर है आज ही डिलीवर करवा दूंगा। ठीक है सर? ठीक है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कहिए सर। हम लोग सीआईडी से। सर मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिट लेके ये सब लकड़ियाँ कटवाता हूँ। वो सब ठीक है, मगर आपके मिल से ओल्ड क्लासिक एंटिक स्टोर में शीशम की लकड़ी भेजी गई थी, जिसमें एक कुल्हाड़ी अटकी हुई मिली, इससे शायद गुनाह हुआ है। सर शीशम की लकड़ियाँ काफ़ी महंगी होती है और कम बिकती है, इसलिए हम तो मंगाते ही नहीं हैं। आप चाहे तो हमारे लॉक्स चेक कर सकते हैं। ये इनवॉइस देखिए, इसमें आप ही की मिल का नाम लिखा हुआ है ना? जेफरसन टिम्बर मिल। जी हाँ, लेकिन सर ये आपकी दुकान में लकड़ी सप्लाई का काम कौन देखता है? सर उदय यहाँ का सुपरवाइजर है, वो सप्लाई का काम देखता है। कहाँ मिलेगा ये उदय? सर वो वहाँ पे है, आइए मैं आप लोगों को मिलवाता हूँ। आइए सर, फटाफट निकलो। आइए आइए सर, बंद करो। सर ये उदय। अच्छा उदय, जब आप लोग यहाँ पे शीशम की लकड़ी बेचते ही नहीं है तो ओल्ड क्लासिक एंटिक शॉप में शीशम की लकड़ी कैसे पहुंची, वो भी यहाँ से? मुझे मालूम नहीं सर, कुछ गलती हुई होगी। गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती है। और गलती ये है कि आपने अपने मालिक को बताए बिना बाहर से शीशम की लकड़ी मंगवाई और उसे सप्लाई भी किया। मुझे बिना परमिट के तुमने लकड़ी मंगाई और उसे सप्लाई भी कर दी? तुम जानते नहीं हो क्या कि बिना परमिशन के लकड़ी काटना गुनाह है और इसके लिए तुम्हें जेल हो सकती है, समझे? मुझे माफ कर दिए सर। नहीं उतर, तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। तुमने स्कूल में पढ़ा नहीं है? पेड़ बच्चों की तरह होते हैं और बच्चों की तरह उन्हें प्यार करना चाहिए। जंगल से सिर्फ वही लकड़ियां काटी जाती है जो खराब होती है, और वो भी फॉरेस्ट ऑफिसर के परमिट के बाद। वो लकड़ी कहाँ से मंगवाई थी? महागिरी जंगल से मंगवाई थी सर। महागिरी जंगल? साहब यहाँ कुछ पेड़ है जिन्हें जंगल विभाग ने काटने का परमिट दिया है, एक पेड़ काटने के बदले 10 पेड़ उगाने पड़ते हैं। अरे आपके फॉरेस्ट ऑफिसर का है, और कितना दूर चलना पड़ेगा? साहब थोड़ा और आगे चल कर देखते हैं, अभी कुछ देर पहले गए। आपके फॉरेस्ट ऑफिसर का नाम क्या है? विक्रम जी, कई साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए। अच्छा ये शीशम के पेड़ कहाँ है, किस तरफ है? शीशम का जंगल तो काफी अंदर है, पर आम आदमी को जाने की परमिशन नहीं है। सर विक्रम जी। मिस्टर विक्रम। या आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं और आपके इलाके में हुए केस के सिलसिले में आपसे कुछ जानकारी लेने आए हैं।
मुझे खुशी होगी आपकी मदद करके। कहिए विक्रम जी, आपके जंगल से चोरी हुए एक शीशम के पेड़ में कुल्हाड़ी मिली थी जिससे किसी का खून हुआ है। सर, फॉरेस्ट गार्ड्स की लापरवाही की वजह से कुछ दिन पहले शीशम का पेड़ चोरी तो हुआ था, लेकिन पेड़ में कुल्हाड़ी वाली बात मेरे समझ में नहीं आई। फॉरेंसिक जांच से यह भी पता चला है कि यह कुल्हाड़ी पिछले 10-12 सालों से इसी पेड़ में थी। सर, 15 साल से मैं इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी बात तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ये बात तो तय है कि जो खून हुआ है वो उससे पहले हुआ होगा। आप कुछ बता सकते हैं? सर, मैं अपनी पहली पोस्टिंग से ही इसी जंगल में हूँ, लेकिन ऐसा कभी सुना नहीं। सर विक्रम जी, ये कुल्हाड़ी हमें इसी जंगल के एक पेड़ से मिली है। इसका मतलब तो साफ कि जिसका खून हुआ है या फिर जिसने खून किया है वो दोनों लोग इसी इलाके में कहीं आसपास रहते होंगे। सर, इस जंगल के आसपास 2-3 गांव हैं, कुछ फार्म हाउस है। अगर ऐसा कोई हादसा हुआ होता तो मुझे जरूर पता होता। ठीक है, पता करते हैं यहाँ के फार्म हाउस में और गांव वालों से। 10-12 साल पहले यहाँ से कोई गायब हुआ था क्या? क्या प्रोग्रेस है, कहाँ तक पहुँचा ये केस? सर, उस लड़की का स्केच बनवा लिया है जो शोभा और सुशील के घर में घुसी थी। पूर्वी, स्केच। कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है इसका? नहीं सर। उस एरिया में किसी ने इसे पहले देखा? नहीं सर। ठीक है, ये इसके सारे पुलिस स्टेशन में भिजवा दो, शायद कुछ पता चल जाए। सर, वो महागिरी के जंगल से क्या पता चला? सर, ये है वो जंगल और उसके आसपास का नक्शा। इस जंगल के अंदर एक गांव है झील के पास, 2 और गांव हैं जो जंगल से बाहर है पूरब की तरफ, और कुछ फार्म हाउसेस हैं पश्चिम की ओर। अच्छा, पिछले 10-12 सालों में ऐसा कोई केस जो सॉल्व ना हुआ हो जिसमें कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया गया हो? नहीं सर, कुछ खून हुए इस इलाके में लेकिन उसकी रिपोर्ट लिखवाई गई है। कोई मिसिंग रिपोर्ट? कोई मिसिंग रिपोर्ट तो नहीं है, मगर गांव में एक फार्म हाउस है जो पिछले 10-12 साल से बंद पड़ा है। 10-12 साल से बंद पड़ा है? हाँ सर, आसपास वाले लोगों का कहना है कि उस फार्म हाउस का मालिक अचानक एक दिन कहीं चला गया और फिर कहीं किसी को दिखा ही नहीं। क्या नाम है मालिक का? सर, प्रेम कुमार, पुराना सामान खरीदता बेचता था। एंटीक डीलर। इस प्रेम कुमार के फार्म हाउस की छानबीन करनी पड़ेगी। सर, ये जगह 12 साल से बंद पड़ी है। सर पंकज, हम लोग इसीलिए तो यहाँ पे आए ताकि पता लगा सके कि 12 साल से ये क्यों बंद है और इसका मालिक कहाँ है। सर, सुनसान जगहों पे आत्माएं होती है सर। हाँ, मैंने सुना है यहाँ आसपास शमशान घाट भी है क्या? हाँ। पंकज, कब तक तुम लोग ये आत्मा के चक्कर में फंसे रहोगे? आत्मा तो कुछ नहीं होती, चलो ढूंढो अंदर, देखो कुछ मिलता है क्या। ये देखिए सर, ये रहा प्रेम। इसकी बीवी बच्चे को जन्म देते ही मर गई थी। बच्ची का नाम सोना है सर। से इतनी छोटी सी बच्ची को छोड़कर कोई कैसे जा सकता है? हो सकता है बच्ची को अपने साथ ले गया या फिर अपने किसी सगे वाले के पास छोड़ के गायब हो गया हो। ये आवाज कैसी? सर, मैंने कहा था यहाँ पे कुछ है। सर, अंदर मत जाइए, प्लीज यहीं से बाहर चले जाइए। मुझे भी थोड़ा थोड़ा शक होने लगा है। बिस्तर पे सिलवटे पड़ी हैं, जगह अभी भी गर्म है, इसका मतलब कोई था यहाँ पे। सर,
आत्माएं गर्म जगह पे रहती है। हाँ फ्रेडी, मगर आत्माएं शराब नहीं पीती। कोई तो है यहाँ, ढूंढो। सर, पंकज, आत्मा ने हमें घर में बंद कर दिया। अरे फिर सर, हमें यहाँ से निकलना होगा कैसे भी। सर तो सीनियर इंस्पेक्टर बन चुके हैं, हम लोग तो सब इंस्पेक्टर में मर जाएंगे। सर मैं वहां से नहीं जाऊंगा, अगर आपको जाना तो आप जाओ। ठीक है, मैं जाता हूँ। सर, दरवाजा किसने बाहर से बंद कर दिया? साहब, हमने कुछ गलत नहीं किया साहब, ये जगह बंद पड़ी थी इसलिए हम लोग एक साल से यहाँ रहने लगे। कितने लोग रह रहे हो इस घर में? 3 लोग साहब। और तुम्हारे तीसरे साथी ने दरवाजा बंद किया था बाहर से? पता नहीं सर, वो हमसे पहले चले गए थे सर। किसी के भी घर में पिछले एक साल से तुम लोग रह रहे हो यहाँ पे, तुम लोगों के बाप का राज है क्या? सचिन, इन दोनों को कमरे के अंदर बंद कर दो, ये भागने ना पाए। और उस तीसरा कहाँ है उसे भी ढूंढो। चलो चलो सर। हाँ पूर्वी, कहाँ तो? सर ये देखिए, ठीक वैसे ही कुल्हाड़ी। लगता है यहाँ पे भी ऐसी कुल्हाड़ी थी, और शायद वही कुल्हाड़ी हमें फर्नीचर के अंदर से मिली है। सर ये दोनों कुल्हाड़ियाँ प्रेम कुमार की है, मतलब वो किसी को मारकर छुप गया। कुछ कह नहीं सकते पूर्वी कि किसने किसको मारा है। सॉरी फ्रेडी सर, आपके कपड़ों में से बहुत बास आ रही है। पंकज, नाक मुझे भी है, बदबू मुझे भी आ रही है, तेरे कपड़ों से आ रही है। बदबू तो आ रही है, मगर बदबू की वजह ये गंध है जो तुम्हारे कपड़ों पे लगा हुआ है। जाओ दो क्या। गद्दा का ही का हाथ आगे करो, हाथ आगे करो, पहले हाथ धोते हैं। अबे हाथ धो रहे हैं, मुंह धो रहे हैं मेरा। ये लो मेरा हाथ धुलाओ ना प्लीज। अच्छा ये तेरे हाथ धुलाता हूँ अभी। फिर से उसके अंदर देखो। हमेशा बेवकूफ बनाता है मुझे। चला जी सर के साथ। अरे तारिका जी, आपके बॉस कहाँ है? किसी और से शर्त लगाने चले गए क्या? बाहर गए। भाग गए? मुझे मालूम था, मेरे आने की बात सुन के यहाँ कहाँ रहेंगे, निकल लेंगे कहीं ना कहीं। अभिजीत बाहर गए, बस अभी आते ही होंगे। हाँ आपको यहाँ छोड़ के काम करने के लिए, बहुत नाइंसाफी है। मैं इस कंकाल का फेशियल रिकंस्ट्रक्शन कर रही हूँ ताकि हमें पता चले कि ये प्रेम है या कोई और। अरे मैं जानता हूँ आप पता लगा ही लेंगे। वो तो है। अच्छा ये बताइए, ये आपको पता चला कि नहीं कि ये मौत की वजह क्या है? भाई साहब वो सॉफ्टवेयर को छोड़ो, डिटेल वाला सॉफ्टवेयर इधर है। सर, आप हैं? जी हाँ हम हैं। नहीं नहीं, मैं तो आपसे ही पूछने वाला था, आप नहीं थे इसलिए आपकी असिस्टेंट से पूछ रहा था। छोड़ दो छोड़ दो, मैं सब समझता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। अब छोड़ दो ये सारी सफाई, मुद्दे पे आ जाओ। हाँ जी देखो
इसकी गर्दन की हड्डी को जरा गौर से देखो। ये देखो, ये निशान देख रहे हो? ये निशान हमें साफ बताता है कि इस आदमी पर किसी तेज धार वाले हथियार से वार किया है। ऐसा निशान तो कुल्हाड़ी से भी बन सकता है? बिल्कुल हो सकता है। पर क्या उम्र क्या होगी इसकी? इसकी उम्र 35 से 40 साल के बीच में। बन गया चेहरा। सही तो प्रेम है सर। इसका मतलब किसी ने प्रेम को मार के उसकी लाश को कुएं में छुपा दिया। प्रेम का तो पता चल गया है, लेकिन उसकी बेटी सोना कहाँ है? प्रेम के दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन करो, उनसे पूछो कि किसी को सोना के बारे में कुछ पता है क्या। हाँ, सोना नाम था उसका, एंटीक डीलर प्रेम कुमार की बेटी। जी क्या कुछ पता नहीं आपको? क्या उस बच्ची के रिश्तेदार है और आपके नाम को कुछ मालूम ही नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, आप जो कुछ भी जानते हैं सही बताइए प्लीज। आपको भी कुछ नहीं पता? देखिए, हमारे लिए उसके बारे में कुछ भी जानना बहुत जरूरी है, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। नहीं, चुरा तो नहीं पाई, लेकिन इतनी रात को किसी अजनबी के घर में घुसने का मतलब क्या हो सकता है? इरादा तो चोरी का ही होगा ना। हम पता कर रहे हैं, आप भी ढूंढिए उसे। या आप बोलिए, कितना टाइम? सर बस कुछ देर हो। दुष्यंत, कुछ पता चला? सर हमने प्रेम की बेटी के बारे में उसके सभी दोस्तों और जान पहचान वालों से बात की है, लेकिन कोई कुछ बता ही नहीं पा रहा है। सर उसके रिश्तेदार तो ऐसी बात करें जैसे उस मासूम की कोई परवाह ही नहीं थी उनको। यही हो रहा है, अपने सिवाय दूसरों की पड़ी नहीं किसी को। सर, सर प्रेम के फार्म हाउस के आसपास रहने वाले लोगों को भी सोना के बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, कहाँ गई होगी ये बेचारी लड़की? सर जब प्रेम का खून हुआ तब सोना 8 साल की थी, अगर अब वो जिंदा है तो 20 साल की होगी। 20 साल की उम्र में सोना कैसी दिखती होगी इसका पता तो हमारे एक्सपर्ट लगा ही रहे ना। सर बन गया, अब आप देख सकते हैं। सब ये तो सोना, शोभा और सुशील के घर में सोना ही घुसी थी। ये क्या चक्कर है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस कुलाड़ी की तलाश में उनके घर में गई हो वो? लेकिन सर उसे कैसे पता चला होगा उस घर में कुलाड़ी? इसका जवाब तो अब सोना ही देगी। उसकी ये फोटो सारे अखबार और न्यूज चैनल में भेज दो, अगर इस शहर में है कोई ना कोई तो पहचान ही लेगा। सोना नहीं सर, इस लड़की का नाम मायरा है। जब 2003 में ये 10 साल की थी तब हमारे बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन के लिए आई थी और यहीं से 12 पास भी किया। मैडम आपसे कुछ भूल हो रही है, इस लड़की का नाम सोना है, मायरा नहीं है। नहीं सर, जो बच्ची हमारे स्कूल में 10 साल तक पढ़ाई की है उसे पहचानने में हम कैसे भूल कर सकते हैं? सर लगता है सोना का नाम बदलकर उसकी असली पहचान छुपाने की कोशिश की गई है। लग तो ऐसा ही रहा है। मैम, मायरा को यहाँ लेकर कौन आया था? मतलब उसकी फीस कौन दे रहा था, क्योंकि उसके पिताजी तो थे नहीं उस वक्त। उसके पिताजी हैं, वही तो मायरा को यहाँ एडमिशन के लिए लेकर आए थे और जब वो पास आउट हुई तो ले जाने भी आए थे। मैडम हमारे पास सबूत है, 2002 में मायरा के पिताजी प्रेम का खून हुआ था। सर मायरा के पिता मिस्टर प्रेम नहीं, मिस्टर रघुनाथ जी है। क्या रघुनाथ? ये कैसे हो सकता मैडम? किसी भी बच्ची के एडमिशन से पहले उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हम अच्छी तरह चेक करते हैं और मिस्टर रघुनाथ जी के पास सारे डॉक्यूमेंट थे। हले, दोनों की शक्लें एक जैसी, सिर्फ नाम बदल गए। सोना से मायरा हो गई और उसके पिता
प्रेम से रघुनाथ बन गया। कुछ और ही चक्कर है। इस बच्ची के नए पिताजी रघुनाथ से मिलना पड़ेगा। रघुनाथ जी, सर, सर जल्दी आइए। रघुनाथ, इसकी छाती में दो गोलियां लगी। सर, शरीर पे हाथापाई की कोई निशान नहीं दिख रहे। थाने मुजरिम को पता चल गया था कि हम लोग यहाँ आने वाले हैं, इसलिए रघुनाथ को मार दिया। सर, शायद मायरा नहीं चाहती हो कि उसका राज खुले, इसलिए उसने मार दिया रघुनाथ को। नहीं पंकज, मायरा ने नहीं, ये उसी आदमी ने मारा है जिसने 10 साल पहले प्रेम का खून किया था, और अब वो सारे सबूत मिटा रहा है। एक काम करो, रघुनाथ के मोबाइल से मायरा का नंबर निकालो। सर, सर सारा घर चेक कर लिया, मायरा का बेडरूम भी देख लिया, घर में कोई नहीं। सर, इन सब के पीछे कौन हो सकता है? सर, मायरा के फोन की घंटी बज रही है, लेकिन मायरा फोन नहीं उठा रही है। लेकिन मोबाइल फोन का लोकेशन ट्रेस करो। जंगल में गैर कानूनी तरीके से पेड़ कटवाता और शिकार करवाता था, जिससे मुझे अच्छी आमदनी हो रही थी, लेकिन प्रेम को सब पता चल गया था मेरे बारे में। और प्रेम ने जब तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करने की धमकी दी तो तुमने प्रेम को भी मार दी। मैं उसके फार्म हाउस पे गया था, पैसे देकर उसका मुंह बंद करना चाहा, लेकिन फोन करके वो पुलिस बुलाने की कोशिश कर रहा था। गुस्सा आ गया मुझे, दीवार से उसी की कुल्हाड़ी निकालकर उसे मैंने मार दिया। और फिर तुमने अपने असिस्टेंट रघुनाथ से कहा कि वो कुल्हाड़ी और इस बच्ची सोना को भी ठिकाने लगा दे। हाँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो कुल्हाड़ी पेड़ में छुपा देगा और इस लड़की को पालने लगेगा। कम अज कम इंसानियत तो थी रघुनाथ में, तुम्हें तो इस बच्ची को देख कर थोड़ा तरस भी नहीं आया था। गुनाह किया तुमने, देर से सही गुनाह सामने आ ही जाता है। प्रेम का खून किया है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, शायद फांसी होगी। लेकिन पंकज, ले जाओ उसे। गलती हो गई मुझसे। तो ठीक हो मेरा,
तुम्हारे पिताजी का खून हुआ ये तुम्हें पता कैसे चला? मैंने अपने पिताजी का खून अपनी आंखों के सामने होते देखा। वो सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, मैं बेहोश होके गिर गई। मेरे सिर पर चोट लगी और मेरी याददाश्त खो गई। तो फिर तुम्हारे पिताजी के बारे में तुम्हें पता कैसे चला? कुछ साल बाद सर, मुझे अजीब अजीब से सपने आने लगे और सपनों में ना एक ही चेहरा दिखने लगा। फिर क्या हुआ? तो ये बात मैंने रघुनाथ जी को बताई, जिन्हें मैं अपना पिता मानती थी, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। वो घबरा से गए थे, तो मुझे लगा कि वो मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। तो मैंने अपने तरीके से छानबीन करना शुरू किया। तब मुझे पता चला कि जो चेहरा मेरे आंखों के सामने आता था सर, वो ही मेरे असली पिता है, जिनका बड़ी बहन है से खून। फिर क्या हुआ? फिर मैं फार्म हाउस गई, मेरे अपने घर। वहां वो कुल्हाड़ी देखकर मुझे सब कुछ याद आ गया, लेकिन सर वो खूनी का चेहरा मुझे याद नहीं आया। इसलिए तुमने रघुनाथ जी से जाकर पूछा? मैंने रघुनाथ जी को फिर से पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। बस वो जगह ले गए जहाँ कुल्हाड़ी फेंक दी गई थी। रघुनाथ जी ने तो सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया था, लेकिन मुझे यकीन था कि रघुनाथ जी ऐसे कर ही नहीं सकते। तो फिर मैंने फिर से पता करने की कोशिश की। और तुम कुल्हाड़ी की तलाश में सुशील और शोभा के घर पहुंच गए। तुमने सीआईडी की मदद क्यों ली? क्योंकि मैं उस खूनी को अपने हाथों से सजा देना चाहती थी, जिस कुल्हाड़ी से उसने मेरे पिताजी का खून किया था, उसी कुल्हाड़ी से उसका गला काटकर अपने पिताजी की मौत का बदला लेना चाहती थी मैं। बदले की आग इंसान को अंधा कर देता है, एक इंतकाम दूसरे इंतकाम को जन्म देता है। ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे हाथों कोई गुनाह नहीं हुआ। और रही बात इस विक्रम की, इसने जो गुनाह किया है इसकी सजा उसे कानून देगा। थैंक यू सर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।